हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खूब सारी पढ़ाई करते होंगे और बड़ों का आदर भी करते होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से हिंदी की कक्षा में। और आज हम करवाने जा रहे हैं कक्ष पाठ 7, जिसका शीर्षक है झोपड़ी। बच्चों, ये जो कथा है, ये जो पाठ है बच्चों, ये पाठ बहुत अच्छा है और मैं आशा करती हूँ, मुझे मालूम है जब आप ये पाठ पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और आपने देखा उपर्युक्त चित्रों को पहचानो, उनके नाम बताओ, आपको किस प्रकार का घर पसंद है। देखो कितने सारे घर बने हुए हैं ना, ये फ्लैट्स वाले घर भी हैं, ये एक विला जैसा घर लग रहा है मुझे, और ये भी एक बहुत ही प्यारा सा घर लग रहा है। और बच्चों, आपको अपने मित्रों के साथ डिस्कस करना है, विचार करना है, विमर्श करना है, बात करनी कि आप किस तरह के घर में रहते हैं। बच्चों, आप कैसे घर में रहते हैं ये आप अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी एक ऐसे गरीब स्त्री की कहानी है जिसकी जमीन गांव के जमींदार ने जबरदस्ती हथिया ली, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि जमींदार ने वह जमीन उस स्त्री को वापस कर दी। तो वो कौन सी घटना घटी है, आइए शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब बेसहारा विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां पर बसी थी। कई जमाने से बसी थी मतलब कि वो बहुत वर्षों से वहीं पर रह रही थी। उसका प्रिय पति और उसका इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी एक 5 बरस की, पतोहू मतलब कि जो उसके बेटे की जो पत्नी थी वो भी 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती इस वृद्धा काल में उसका एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती थी तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। मतलब उसकी जो अवस्था थी, बिल्कुल जैसे कोई मरने जैसा होता है, उसकी हालत वैसी हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सभी प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी बेसहारा तो थी, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। मतलब उसको झोपड़ी से उन्होंने निकाल दिया और वो फिर कहीं और रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे वहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली कि साहब, अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं इसे लेने नहीं आई हूं, आप क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती है। तो उसने बोला कि मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है, मैं उसे समझा भी रही हूं तब भी वो नहीं मान रही है। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। कृपया करके आज्ञा दे तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और उसे उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, साहब कृपया करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए,
परंतु पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो जमींदार के मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर वह टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर ऊंची ना उठी हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, साहब नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी पर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन भर कैसे उठा सकेंगे, आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो देखा आपने, उन्होंने क्षमा मांग ली, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं इस झोपड़ी को नहीं खाली करूंगा और इस झोपड़ी पर तुम ही रहना। क्यों? क्योंकि उस विधवा ने बोला कि जब आपसे एक मिट्टी टोकरी नहीं उठाई जा पा रही और इसमें तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस झोपड़ी में ना जाने कितनी टोकरी मिट्टी की लगी हुई है, तो वो आप कैसे उसको भरेंगे, कैसे उसका पश्चाताप करेंगे। तो यह सुनकर जो श्रीमान थे उनको बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत लज्जित हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, आज का पाठ, और अब हम करने जा रहे हैं कठिन शब्द। जमींदार, वृद्धाकाल, बेसहारा, पूर्वा स्थिति, विधवा, मृत प्राय, अहाता, लज्जित, इच्छा और कृत कर्म। और इसके बाद है शब्द अर्थ। बेसहारा का अर्थ है जिसका कोई ना हो, जमींदार मतलब भूमि का स्वामी, अहाता यानी बाड़ा, इकलौता यानी अकेला, वृद्धा काल का अर्थ है बुढ़ापे का समय, इच्छा का अर्थ है कामना, मृत प्राय मतलब मरने से पहले, प्रयत्न का अर्थ है कोशिश, निष्फल यानी जिसका कोई परिणाम ना हो, कब्जा का अर्थ है हथियाना, विनती यानी अनुरोध, भरोसा का अर्थ है विश्वास, आज्ञा यानी आदेश, स्मरण का अर्थ है याद करना, आंतरिक मतलब अंदरूनी, नाराज का अर्थ है गुस्सा, लज्जित मतलब शर्मिंदा, भार का अर्थ है बोझ, गर्वित का मतलब अभिमान और कर्तव्य का अर्थ है धर्म। तो बच्चों, अभी हमने कठिन शब्द और शब्दार्थ किए थे और अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा है। झोपड़ी में कौन रहती थी? झोपड़ी में एक विधवा बुढ़िया रहती थी, वृद्धा रहती थी। झोपड़ी में कौन मर गया था? झोपड़ी में उसका प्रिय पति, उसका बेटा और पतोहू मर गई थी। विधवा का एकमात्र सहारा कौन था? विधवा का एकमात्र सहारा उसकी 5 साल की पोती थी। विधवा झोपड़ी से क्या ले जाना चाहती थी? विधवा झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी की ले जाना चाह रही थी। और अब है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। जमींदार कौन था? महल का मालिक, झोपड़ी का मालिक, एक सन्यासी, एक कृषिक। जमींदार था महल का मालिक। बाल की खाल निकालने वाले थे डॉक्टर, जमींदार वकील या अध्यापक। बाल की खाल निकालने वाले थे वकील। विधवा ने जमींदार से शिकायत की, लड़ाई की, झूठी बात की या विनती की? विधवा ने जमींदार से विनती की, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया विनती की। विधवा महिला के साथ उसकी बेटी के साथ रहती थी, पोती के साथ, गाय के साथ या बकरी के साथ? विधवा महिला के साथ उसकी कौन रहती थी? पोती। तो हमने यहाँ पे भी भर दिया साथ में पोती। तो अभी बच्चों हमने क्या किया? अभी हमने सही विकल्प पर सही के चिन्ह लगाए और अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। और रिक्त स्थान में सबसे पहले है जमींदार को अपने क्या महल का अहाता झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा थी। तो हमने यहां पे लिख दिया महल और का अहाता, यहां पे आ गया झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा थी। विधवा तो कई जमाने से
यहाँ पे क्या आ जाएगा, कई जमाने से वहीं रहती थी, उसके पोते इस में उसका इस क्या इस उसकी पोती इस जन्म में उसका एकमात्र सहारा थी। श्रीमान के सभी प्रयत्न क्या हुए, विफल हुए। श्रीमान के सभी प्रयत्न विफल हुए। मेरी पोती ने क्या छोड़ दिया है, मेरी पोती ने खाना पीना, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, ठीक। और अब है किसने कहा, किससे कहा, आप क्षमा करें तो एक विनती है। ये किसने कहा, ये विधवा ने अपने चल अपने घर चल वही रोटी खाऊंगी, ये किसने कहा, पोती ने। साहब कृपा करके इस रोटी इस टोकरी को हाथ लगाइए, ये किसने कहा, विधवा ने। नहीं ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी, ये किसने कहा, जमींदार ने। उसका भार जन भर आप कैसे उठा सकेंगे, ये किसने कहा, ये भी विधवा ने। तो बच्चों अभी हमने किया किसने कहा, और अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें करना है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा विधवा बहुत लालची थी, जी नहीं वो बिल्कुल लालची नहीं थी, तो ये हमने गलत कर दिया। जमींदार दयालु व्यक्ति था, हाँ जमींदार बाद में दयालु हो गया, तो जमींदार को हम बोलेंगे जमींदार दयालु व्यक्ति था, उसने बाद में उसको झोपड़ी वापस कर दी थी। जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कर लिया, उसने झोपड़ी पर कब्जा किया था लेकिन उसे बाद में झोपड़ी को छोड़ दिया था, तो ये भी हमारा गलत है। श्रीमान से ने टोकरी नहीं उठाई, श्रीमान ने टोकरी नहीं उठाई, श्रीमान ने टोकरी उठाने की कोशिश करी लेकिन उनसे टोकरी नहीं उठाई गई, तो श्रीमान ने टोकरी नहीं उठाई, उन्होंने टोकरी उठाई थी लेकिन उनकी टोकरी नहीं उठा पाई थी। श्रीमान ने झोपड़ी वापस कर दी, जी हाँ श्रीमान ने झोपड़ी वापस कर दी थी। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले है जमींदार की क्या इच्छा थी, जमींदार की इच्छा थी कि अपनी महल का अहाता वो झोपड़ी तक बढ़ा ले। विधवा किसके साथ झोपड़ी में रहती थी, विधवा अपनी 5 साल की पोती के साथ झोपड़ी में रहती थी। जमींदार ने क्या चाल चली, जमींदार ने अपने वकीलों के साथ लेकर उनके साथ 400 BC की चाल चली थी। गरीब विधवा झोपड़ी से मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी, गरीब विधवा झोपड़ी से मिट्टी ले जाकर उसका मिट्टी का अपना चूल्हा बनाना चाहती थी जिससे वो अपनी पोती को उसमें बना के खाना खिला सके। कहानी के अंत में किसकी जीत हुई, कहानी के अंत में गरीब विधवा की जीत हुई। आपको कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमें कभी भी किसी गरीब पर अन्याय नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत होता है। तो बच्चों इसके साथ ये बहुत अच्छी कहानी बहुत अच्छी कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपने इस पाठ से कुछ ना कुछ अवश्य ही सीखा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।